बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग क्लास 4 लेक्चर नंबर 20। स्टूडेंट्स पेज नंबर 20, टुडे वी हैव रीड अबाउट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। स्टूडेंट्स हमने रूल्स जो हैं वो डिविजिबिलिटी के पढ़ने हैं कि डिवाइड करने के लिए हमें कौन कौन से रूल होते हैं। रूल 1, रूल 2, 3 एंड 4। रूल 1 इज एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि रूल 1 किसके लिए है, 2 को डिविजिबल बाय 2 करने के लिए है कि किस नंबर को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे, यानी जो फर्स्ट यूनिट प्लेस आती है ना, वंस प्लेस, उसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, उस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो हम उसको किस पे डिवाइड कर सकते हैं इजीली, 2 पर। रूल 2, इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। स्टूडेंट्स रूल 2 में हम सीखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है बगैर सोल्व किए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि आपकी एग्जांपल 3 है, आप इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद आंसर ऐसा आए कि आपके 3 के टेबल में वो नंबर आता हो तो वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज़ नो। अगर आप देखें गौर से, हमने इन तीनों डिजिट्स को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 17। 17 तो नहीं ना आता 3 के टेबल में, इट्स मीन कि ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। अगर इसका आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 आता तो हम इसको 3 के टेबल पर डिवाइड कर सकते थे। तो ये जैसा कि एग्जांपल 2 है, लाइक दिस 3 डिजिट्स हमने ऐड किए, क्या आंसर आया, 6। 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, यस, इट्स मीन कि ये नंबर भी 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। सेम एज इट इज़ रूल 3 है, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब जो वंस में प्लेस होती है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आता है, ठीक है, तो वो क्या है, किस पर डिवाइड हो सकता है इजीली, 5 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, यूनिट प्लेस पर इसके 5 है और उन्होंने कहा है क्या ये 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, यस। क्यों, क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। इसी तरह से रूल 4 है स्टूडेंट्स, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। रूल 3 में ये था कि यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 पे हो तो वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन रूल 4 में ये है कि अगर यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 होगा तो ही वो 10 पर डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब अगर 5 होगा तो वो 10 पर डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस मतलब फर्स्ट डिजिट। आप देख सकते हैं एग्जांपल में, इफ़ 240 इज़ 240 डिविजिबल बाय 10। स्टूडेंट्स हो सकता है ये 10 पे डिवाइड, यस। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। क्या ये 10 पे डिवाइड हो सकता है, नो, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। अब हमने अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेज 23 पर है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आता हो वो किस पे डिवाइड हो सकते हैं, 10 पर। अब आप इन नंबर्स में देखेंगे जिनके यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे 0 आता है, वो है बी पार्ट, सी पार्ट, दिस, ई पार्ट एंड एच पार्ट। और किसी पर नहीं ना आ रहा फर्स्ट नंबर 0, इसलिए वो 10 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। जस्ट हमने उनको टिक किया है जो 10 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है स्टूडेंट्स, यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 3, 5 और 10। राइट यस और नो। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आगे हमने हमसे नेक्स्ट टेबल में पूछा है कि ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, येस या नो, 3 पर, 5 एंड 10। अगर होता है हम लिखेंगे येस, अगर नहीं होता तो हम लिखेंगे नो। स्टूडेंट्स डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज के हमने रूल्स रीड आउट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिट 2 है और 2 के टेबल में हमें उन्होंने कहा था वो उस टेबल पर डिवाइड 2 पे हो सकते हैं अगर उसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 समथिंग हो। तो हम 2 है, इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। आप उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इजी वे है। ऐसे 3 के टेबल पर चेक करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप उन सब नंबर्स को ऐड करें और अगर ऐड करने के बाद आंसर ऐसा है जो 3 के टेबल में आता हो तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो स्टूडेंट्स 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16,
18। सो स्टूडेंट्स इसका सम 18 आया, तो क्या 18 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, आता है ना 3 के टेबल में, इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। 5 पे डिवाइड करने के लिए रूल में हमारे पास कंडीशन है कि या तो यूनिट नंबर 0 हो या फिर 5 हो, तो ये दोनों में से नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा और आंसर क्या आ गया, नो। इसी तरह 10 पे डिवाइड होने के लिए कंडीशन है कि लास्ट नंबर यानी फर्स्ट जो वंस नंबर है वो 0 हो, तो फिर ये नहीं है, इट्स मीन ये भी नो। बी पार्ट में आप देखें 2 के लिए कंडीशन थी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 0 है फर्स्ट डिजिट, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है, येस राइट करेंगे। 3 के लिए था कि 8 सबको आपने ऐड करना है, 5 और 3, 8, 8 और 2, 10, 10 और 5, 15, 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, इसको भी आप येस लिख देंगे। इसके लास्ट डिजिट 0 है, 5 के लिए कंडीशन थी कि वो 0 या 5 हो, तो यस डिवाइड हो सकता है। 10 के लिए भी कंडीशन है कि टेबल 10 पे डिवाइड होने के लिए वो क्या हो, लास्ट डिजिट 0 हो, तो वो है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या कहेंगे, यस। इसी तरह से आपने इसके लास्ट 3 पार्ट्स खुद से सॉल्व करने हैं बुक पर, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।